ड्रोन रेडी है, कैमरा रेडी है और एवलांच भी रेडी है। हम खड़े हैं इसके ऊपर, इसके नीचे जो 20 फीट का ड्रॉप है, सीधे हम पहुंचेंगे अर्जुन जी के पास। रोलिंग रोलिंग, बोथ रोलिंग, एक्शन। बढ़िया शूट ले लगती है उतनी ही ज्यादा मेहनत। आओ दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं काम और उसी जिंदगी की थोड़ी सी झलक। बहुत टाइम बाद निकल रहे हैं अब एक और जगह। हाँ, हम तो जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या मिस नहीं करोगे हमको? हाँ करेंगे जी। कितना मिस करोगे? बहुत ज़्यादा। दिखाओ कितना। ओ भाई साहब, टनल जाने से पहले सोलांग में हमको मिल गई है थोड़ा ट्रैफिक। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि ये। ओहो, बाय बाय बोल दिया हमने सोलांग वालों को। बाय 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 बाय, तुम मजे करो वहां पे, हम तो जा रहे जी के लॉन्ग लोकल यारा। सरिंग भाई, जैसे ये रोड अभी क्लियर है ना, मतलब दिख रहा है कि साफ हो जा रही है, तो कितने कितने टाइम में आते हैं जैसे बीआरओ वाले साफ, कितने टाइम में होती है फ्रीक्वेंसी? जैसे आपका बर्फ लेने की फुट आधा फुट कुछ भी पड़ जाएगा, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग चल पड़ते हैं लोग साफ। तो रोज रोज का होता है क्या इनका? रोज डेली है? डेली है। ओ सही सही। और हम पहुंच गए हैं केलांग। अपनी टाइम टू केलांग। तो अभी फेब एंड है केलांग में, लेकिन ठंड वैसी है कि जैसे अब मनाली की एक्सट्रीम विंटर्स आ गई है। मनाली के जैन केलांग की फेब बन गई है। फर्स्ट टाइम विंटर में केलांग का एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा ही है आई थिंक, मैं कंफर्टेबल टाइम में आया हूँ। बाकी लोगों का सुना था मैंने जैन में आए थे जब, खतरनाक ही ठंड थी, अभी तो बेरेबल है। ठीक है, लकी मान लो अपने आप को, और क्या है ना। तो सुखी भाई, फर्स्ट डे का सब हो गया सॉर्ट? ऑलमोस्ट, इट्स नेवर सॉर्टेड अनटिल इट्स डन। जैसा प्रिडिक्शन था वो हो रहा है अभी। अब रात को शुरू होगी अच्छी खासी स्नोफॉल, तो स्नोफॉल से बचाने के लिए हमको छाता मिल गया है जी। अब ये छाता बचाएगा हमको। छाते ने कितने बर्फ से बचाया है। जिस काम के लिए आए थे उसकी तो वाट लग गई है थोड़ा। रातों रात वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए यहाँ पे थोड़े से। देखने में तो बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है ये, लेकिन अभी भी लगी हुई है बर्फबारी। हमें ही नहीं चाहिए था, अब क्या करेंगे, देखेंगे, जो होगा वो तो हो गया। खाना खाइए, और कर भी कह सकते हैं, और कर भी कह सकते हैं। बर्फ वाले इलाकों की एक खास बात होती है कि घर का एक कोना होता है जो गर्म रखा जाता है और जहां सारा परिवार अपना दिन वहीं काटता है। आपका क्या नाम है? हाँ? जिनमें वी आर हेडिंग डाउन, हम दो अकेले केलांग में। बड़ा अजीब हिसाब है, मतलब यहाँ आके भी काम नहीं कर पा रहे हैं। एक समझ नहीं आता कि इजी और टाइम यूटिलाइज्ड और नॉट, और एंड स्पेशली विद द बिग प्रोजेक्ट्स। क्यों सुखी भाई, लाइक जब एकदम एक बड़ा खतरनाक कुछ काम आता है। हाँ, खाली बैठे बैठे भी लगता है ना कि कुछ कर नहीं रहे हो, एंड यू आर एट वर्क। हाँ, एंड यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मतलब इट वॉज गोना बी अ गुड ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का तो पता नहीं, अभी फिर हम नीचे जा रहे हैं लंच वंच करने। थोड़ी सी विंडो मिली है बर्फ जब नहीं पड़ रही है, तो सोचा फिर चलो पेट पूजा भी कर लो। दिमाग तो फ्राई हो ही गया है। ओह माय गॉड, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिड़िया उड़ रही हैं, तो उड़ती हैं उसी तो जैसे क्लियर होती विंडो, बट अभी वही है। दो दिन और पैक होने वाले हैं अभी। तो हमारा शूट कैंसिल हो गया था क्योंकि वेदर ख़राब था, पोस्टपोन, सॉरी, हाँ पोस्टपोन। लेकिन ये क्या है, ये कौन सा कलर दिख रहा है ये ऊपर?
कैंसिल हो गया ना क्योंकि नीले, हाँ क्योंकि पोस्टपोन हो गया तब खुल जाएगा उसकी उसकी खुश खुशखबरी सुन के। ये वो नहीं है, आउटलायर नहीं है, दिस इज डिस्टिलेशन ऑफ आवर 6 इयर्स भाई, यही सीन है, सही बात है भाई। एवरी फकिंग शूट हमेशा ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, वही हम ऐसे इंटरनली बोलते हैं ना, जब भी शूट आते हैं तो पहले बोलते हैं चलो मतलब वेदर खराब होने वाला है, फिर वेदर वही हुआ वेदर खराब हो गया तो समझ में आ गया हाँ हमारा शूट था ना तभी तो वेदर खराब हुआ है, और जैसे ही हमारा शूट खत्म एकदम से जैसे 4 to 6 90% स्नो की प्रिडिक्शन ना, और वो भी 2 घंटे पहले, मतलब इट शुड बी रियली एक्यूरेट। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट क्या आया एक्स्ट्रा, हम आ गए यहाँ पे जी, तो चलो वही बोलते हैं ऊपर वाले की मर्जी भाई, बट हमारी मर्जी कब चलेगी एक बार चल जाए बस एक बार। खाना होना चाहिए रोज बढ़िया, बढ़िया इज एन अंडरस्टेटमेंट है, बढ़िया इज एन अंडरस्टेटमेंट। पैसे कौन देगा, पैसे कौन देगा, भाप नहीं है बर्फ जमी है, रगड़ रगड़ के अपनी गर्मी से निकालो तब दिखता है व्यू। उसके बाद 2 दिन के बाद फाइनली मौसम खुल गया है, थोड़ी धूप दिख गई है, और दिखाता हूँ आपको यहाँ का अब नज़ारा। आज बढ़िया धूप है यहाँ पे, सोच रहा हूँ बच्चों के साथ एंजॉय करता हूँ, अपना भी एंटरटेनमेंट है ये, बचपन की यादें। यो सुगी भाई, कोई वेट कर रहा है हमारा, हमारी वो उबर कैब आ गई। कुरु भी आ गया जी, क्या करे, इसका नाम है मीट सेवन, सेवन सेवन है देखो इसको, कुछ नहीं खाने को, कुछ नहीं है, आजा आजा कुछ नहीं है, बाय बाय गाइस, हाय गाइस को कर दो बाय गाइस। और कुरु निकल गया हमारे साथ शहर की तरफ, वाह यार क्या नज़ारा है, वो देखो गाड़ी फंसी है, वैसे कौन सा निकलने वाली थी, ये सुखिल भाई निकल गए नीचे, वहाँ नीचे केलोंग तो अपना घर है थोड़ा ऊपर, मतलब एक्सट्रीम एरिया में भी हमको और एक्सट्रीम घर चाहिए ना, यही तो सीन है अपने साथ भयंकर। भैया थोड़ा और एक्सट्रीम दिखाएंगे, थोड़ा और एक्सट्रीम, थोड़ा और एकदम रिमोट दिखाएंगे, नहीं केलोंग रिमोट है बट थोड़ा और कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वहाँ नीचे की बजाय हाँ ये घर बढ़िया है जी, हाँ ये कोने में है ये अच्छा है। अबे कुरो चल उधर, अभी मौका है बेटा, निकल ले आपको यहाँ बुला दिया मैंने, कुरो को भेज दिया वहाँ, वो देखो कुरो चले गया, बाय, साथ ही नहीं छोड़ रहे, साथ साथ चलना शुरू हो गया, जितना प्यार कुरो से कर रहे हो मुझसे भी करो, ओए मुझे चिपका चिपका के एकदम ऐसे मेरे पैर से सट के चल रहा है ना एकदम, ये देखो गाइस तुम तीनों ऊपर पहाड़ के, अरे भाई साहब ये बहुत हो गए हैं, कुरो निकलना पड़ेगा आपको, चलो कुरो जाओ जाओ, यहाँ हो गए घमासान युद्ध, लोग टेरिटोरी नहीं आ गए, डॉग्स टेरिटोरी है भाई, इतने खतरनाक खतरनाक फरी होंगे बेचारे, कुरो को घेर दिया गया है। अपने हम पहले दोस्त से मिले आए हैं पॉल भाई से, क्या हाल है पॉल भाई, बढ़िया बढ़िया, क्या चल रहा है, बस देखो अरे बर्फ खत्म किया फिर ना सेक रहे हो बट वही है कि आज और कल की भी है ना स्नोफॉल, अभी 26 की भी, उसके बाद और संडे साथ है ना, हाँ 26 27। सुखी भाई कैसा लग रहा है एकदम सुनसानियत में चलना के लॉन्ग में, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, लाइक अकेलापन पसंद है, अकेलापन सब पसंद है, मिलता नहीं है मतलब ऐसी जगह देखो सुनसान एकदम, ना बंदा ना बंदे की जात, अलग ही माहौल तो है केलोंग में अभी, एकदम शांति और चारों तरफ एकदम बर्फ ही बर्फ, सफ़ेद चादर,
मतलब सर्बिया वर्बिया के रीजन होते हैं जहाँ शांति होती है, बर्फ होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, उसी तरह की फील ले रहे हैं। मतलब एफर्ट तो नहीं मारने पड़ रहे हैं ना ऐसी जगह जाने के कंपैरेटिवली। अभी ये भी है कि टनल बंद है, रोड क्लोज्ड है, तो उसकी वजह से भी हम इधर फंस गए हैं, बाकी लोग इधर से आ नहीं पा रहे हैं। तो वो भी एक तरह से एडवांटेज ही बोल रहे, जो भी बोल लो, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अपन अकेले आते हुए भी से परेशान, जाते हुए भी से परेशान। ये बोल रहा है ऐसा क्या है उस कुरू में, मतलब एक होता है साथ चलना और एक होता है चिपक के बस लीच की तरह जुट जाना, ये वैसा कुत्ता है ये। एक चीज़ है, वेदर चाहे ख़राब मिल गया और शूट अपना थोड़ा पोस्टपोन हो गया, लेकिन इस चक्कर में मेरी थोड़ी फिटनेस वापस आ रही है। ऊपर नीचे चलने में 5-6 महीने से कुछ किया नहीं था एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क, तो यहाँ पे थोड़ा वापस सही लग रहा है मूवमेंट्स कर करके। आज है बढ़िया मेरी फेवरेट हरा साग, ये समर्स में हार्वेस्ट हुआ है, सन ड्राइड रखा है स्टोर में और फिर रिहाइड्रेट किया बनाने के लिए, एंड सी हाउ ग्रीन इट इज। भाई साहब अभी भी ना खतरनाक, और साथ में दही और अचार और चटनी और चाय भी है, चाय हाँ जो मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। और मैं वही वाह। जी हाँ ये है अपना आलीशान बाथरूम, वाह इस व्यू के साथ फ्रेशन अप होने में क्या मज़ा आएगा। नहीं डे 4 हो गए अपना लाहौल में और अभी भी स्नो स्टॉर्म की वजह से फंस गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बर्फ रुकी है तो थोड़ा बाहर निकल के आ गया। संतरा हो तो इतना बड़ा हाथ में फिट नहीं आ रहा। दिन फिलहाल ऐसे ही निकल रहे हैं, बढ़िया सा संतरा लिया था, कीनू लिया था, रहता थोड़ा मूड सही होगा बट वो भी निकला एकदम सूखा और चूसा हुआ, तो कुछ अच्छा नहीं जा रहा है भाई, कुछ तो अच्छा जाए। वैसे हाँ जगह अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सेटबैक ही है बस, क्योंकि होता है ना जब आप किसी काम को करने आते हो और वो हो नहीं पाए तो थोड़ा जो बुरा लगता है, बस वैसी फीलिंग है अभी थोड़ी थोड़ी। जगह के तो मज़े ले ही रहे हैं, लाइफ के भी मज़े चलते ही रहते हैं, बट अगर थोड़ा उसमें काम होता रहे इस जगह पे तो दिक्कत क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो काम नहीं हो पा रहा है और उसमें हम फंसे हुए हैं। देखते हैं फिर आगे क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बहू बहू बहू। तो सीन ये है कि हमें शूट तो कराना है इसलिए रुके भी हैं यहाँ पे देखने के लिए कोई विंडो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऐसी कोई क्लियर विंडो भी नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल। 2 दिन दिखाता है बादल बर्फ, फिर 1 दिन क्लियर वेदर। अब क्लियर वेदर की वजह से BRO टनल खोलेगा नहीं खोलेगा, रोड खुलेगी नहीं खुलेगी, लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उसी कॉन्टेम्पलेशन में अपना समय निकल जाता है। तो बड़ा अजीब टाइम है, मतलब रुके हुए भी हैं तो काम के एंटिसिपेशन से समझ नहीं आ रहा कि काम होगा कि नहीं होगा, उस होप में रुके हैं कि बाई चांस कुछ वेदर विंडो दिखे तो अपना काम हो, तब तक जस्ट वेट एंड वॉच यही चल रहा है। 4 दिन के बाद एक विंडो मिली मनाली जाने की, तो मैं गया वापस नीचे का जायजा लेने और बाकी तैयारी करने। अभी हम हैं टांडी में और यहाँ पे अभी रास्ता बंद कर रखा है, 1-way सिस्टम है अभी, तो बेसिकली क्योंकि बर्फबारी काफ़ी हुई थी इससे पहले तो मनाली से अभी जो गाड़ी आएंगी उनको पास है, फिर इसके बाद जो किलोंग से जाएंगी अभी 1 बज रहा है उनके लिए खुलेगा अभी, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट राइट नाउ।
दिन शिवरात्रि भी थी तो भोले का आशीर्वाद भी ले लिया। 3000 मीटर पर -10 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन लोगों की श्रद्धा एकदम बरकरार। मैं ऐसे ही अपने लाइफ के किस्से आपके सामने लाता रहूँगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।